الله بركاته ما شاء الله اهلا 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 हमारे बीच में हमारे एक भाई आए हैं, हमारे भाई है, खास स्पेशल भाई है, इनके लिए एकदम स्पेशल मुर्गा चाहिए। इनको मुर्गा तंदूरी खिलाओ, कितना जूसी और कितना टेस्टी, बोल बोल के लाया हूँ, ऐसा सर्व करना है आज, ताकि तुम्हारी मेरी दोनों की इज्जत दांव पे इधर तक बढ़ जाएगा। अरे होता ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ यज़दान। आज हम जाने वाले हैं जुम्मे की नमाज़ के लिए मस्जिद तौबा। दो दिन पहले हम गए थे लियाकत भाई के पास, और लियाकत भाई के साथ, लियाकत भाई की मस्जिद है सिराज सर और लियाकत भाई, एंड उनके मस्जिद में जा रहे हैं। वो इंस्टीट्यूशन भी है, एंड वहाँ पे जाके जो बच्चे हिफ्ज़ करते हैं तो उनसे भी मुलाकात होगी। बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है, चलिए। चलें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, लेट्स गो। यहाँ पे सामने यरवड़ा मस्जिद है, ये यरवड़ा चौक है, आई लव यरवड़ा सामने लिखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा होगा तो आई लव यरवड़ा। एंड मस्जिद अक्सा यहाँ इस साइड में है, हम यहाँ पे जा रहे हैं इस साइड में कोंडवा की तरफ, और यहाँ से पहले आएगा यरवड़ा का ब्रिज, और फिर वो ब्रिज क्रॉस करके सीधा जाएंगे कोंडवा। सो वी आर वेरी एक्साइटेड। चलिए मस्जिद तौबा की तरफ निकल चुके हैं हम। अभी तक 50 मिनट हो चुके हैं घर से निकले, 50 मिनट्स। देखिए इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है कि क्या ही बताएं, 10-15 मिनट और लगेंगे। गाइज यहाँ पे हमारे लियाकत भाई इधर ही कहीं पे, उन्होंने बोला है हमें एडमिट हो जाओ। अरे 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 भाई, भाई बहुत ट्रैफिक है इधर तो। अरे भाई गाड़ी पूरी मिट्टी मिट्टी हो गई है, पता लगा हुआ है ना। हाँ वहाँ पे तालाब लिखा है सामने, तो तालाब से अभी यूटर्न मार लू क्या? ये वाला रह जाइए, मैं सामने ही रुका हूँ इंशाल्लाह, कार की पार्किंग भी पकड़ के रुका हूँ। आज ये वहाँ पे खड़े लियाकत, हाँ लियाकत भाई भी देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह बरकात माशाल्लाह। वालेकुम सलाम, अहलन 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 ब्रदर अहलन। हमारे रफीक साहब हैं, ये डॉक्टर साहब हैं, मेरा भाई है, दिस इज अली, ये उमेर भाई, रायस भाई को आप जानते हैं, और ये हमारी छोटी बच्ची सफा, ये पिछली दफा खफा हो गई थी, इसका नाम नहीं लिए थे, सफा हो गई, सफा हो गई थी। ये अली जो है, अली जरा कम ही बेटा, अच्छा ये जो आपने बताया था हमारे भाई का बेटा है माशाल्लाह, ये अभी ही इज 8 इयर्स ओल्ड एंड माशाल्लाह ही इज 14 पारे के हाफिज है। अरे माशाल्लाह, और ये दिन में स्कूल पढ़ते हैं और शाम में अलजज एकेडमी जो हमारा पैटर्न वो फॉलो करके आज 14 पारे हाफिज हो गए, 15th रनिंग है इंशाल्लाह, एवरी 20 डेज में एक पारा हिफ्ज करते हैं। अरे माशाल्लाह, स्पीड से कर रहे हैं माशाल्लाह, क्या बात। और ये भी बहुत जल्दी कुरान पढ़ने वाली है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। रफीक साहब की जो है ना एक बहुत अच्छी सोसाइटी यहाँ पर सुहेल लहर, सुहेल लहर है, तो वो सोसाइटी के अंदर भी जो था वहाँ के भी मामला ऐसे थे कि वहाँ पे आलिम और पढ़ाने वालों की कमियाँ थी, मदरसे नहीं थे, कुर्बानी की जगह नहीं थी, रफीक साहब की मेहनतों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्चुअली जो हमारा पूरा ग्रुप है ना, यहाँ एक कंसोर्टेड एफर्ट हम लोग लेते हैं, आपने कल बताया था, तो ये सब ही इज अ पार्ट ऑफ द ग्रुप माशाल्लाह। तो माशाल्लाह सुहेल लहर की जिम्मेदारी साहब के ऊपर है, और साहब अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी अंजाम दे रहे, कल वो बच्चों का जो मकतब चलता है उसका एग्जाम भी है। नीचे बेसमेंट जो बुजुर्गों के लिए खास नमाज का यहाँ देखिए, जितने भी आप देखेंगे ज्यादा करके ये बुजुर्ग लोग की नमाज पढ़ने की जगह, ताकि वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सके, करेक्ट करेक्ट, उनके लिए नीचे का इंतजाम किया गया है। ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड है, और ये ऊपर का थर्ड फ्लोर है। ये सारी जगहों पर नीचे से लेकर ऊपर तक जो है मकतब चलता है इवनिंग के अंदर, कुछ इंशाल्लाह आज आप जो कवर करेंगे। चलो चलिए, कहीं बदनजरी कर ली, कहीं झूठ बोलने का मौका आया तो झूठ बोल दिया, कहीं किसी की हिम्मत और चुगली कर ली, कहीं दो लोगों के दरमियान में झगड़ा लगा दिया, न जाने गुनाह करने के जितने मौके थे
उन तमाम मौके का भरपूर इस्तेमाल किया। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये नौजवान अपनी जिंदगी को खत्म कर रहा है और अपने आप को जहन्नम के हवाले कर रहा है। A few moments later, लोग बहुत बहुत मुबारकबाद के हमारी ये मस्जिद मस्जिद आप सबके हम तमाम लोग कोशिश के जरिए से अल्लाह ने यूनिवर्सिटी की मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटी सी दो छोटी चीज़ें बोलनी थी आप लोगों को कि एक तो ये कि 3 अगस्त की जो जुमा रखी गई है ख़ास तौर से नौजवान बच्चों के लिए रखी गई है जो स्कूल पढ़ते हैं और जो मस्जिदों से नहीं जुड़ पाते, तो हमारा तुम्हारा सबका फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम उन बच्चों को हर घर में हर सोसाइटी में जहाँ पर ये बात जानी जा सकती है वहाँ पर पहुँचाइए। और प्लीज़ उन बच्चों को पेरेंट्स को रिक्वेस्ट कीजिए कि उन बच्चों को यहाँ तक जुमा में 3 अगस्त की जुमा खास उनके लिए रखी गई तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए। दूसरी चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो मकतब की कोशिशें की थी वो भी अल्लाह ने बहुत खूब कामयाब की अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 150 से ज़ायद बच्चे अभी पढ़ते हैं हमारे पास में माशाल्लाह। आप तमाम लोगों ने इसमें साथ दिया, सपोर्ट किया, आस पास की सोसाइटीज में बहुत भाइयों भाइयों ने मेहनत की, कई साथियों ने मेहनत की इसके अंदर, नाम लेना मुनासिब नहीं है। वसीम भाई बैठे, सिराज सर बैठे, मुफ्ती साहब बैठे, मुफ्ती साहब जो कि हेड करते हैं पूरी इन चीज़ों को, तो माशाल्लाह ऐसे कई लोग हैं और भी जो पर्दे के पीछे काम करते हैं। उन तमाम लोगों की कोशिशों से आप लोगों से दुआ है, गुजारिश है कि इन तमाम लोगों के हक में भी दुआ कीजिएगा कि इन तमाम लोगों को अल्लाह दुनिया आखिरत का खैर आफियत दे। हम तमाम लोग इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये कि हमारे बीच में हमारे एक भाई आए हैं जिनका पहला नाम परम था, उनके छोटे भाई हरमन, अभी उनका नाम हमजा है, वो रिवर्ट है माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह जब उनसे हमारी मुलाकात हुई थी तो हमने उनको बताया था कि इस तरह के हम लोग पैटर्न रन करते हैं मस्जिद दुबा के अंदर के हिप्स भी हो रहा है बच्चों का, सोसाइटी में जा रहे जो बच्चे सुबह वो स्कूल पढ़ते हैं और शाम को आके हिप्स करना चाहे तो हिप्स करते हैं, मकतब भी पढ़ते हैं, उनके लिए आफियत है, लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए। वो इतने मुतासर हुए अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हमारे बीच बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो, और ये सारी चीज़ों को वो ये पैटर्न को दूसरी जगहों पर लेके जाने की कोशिशें चल रही है। तो आप लोग सोचिए, आप लोगों ने जिस चीज़ को एक ईजाद की, जिस चीज़ की आप लोगों ने मेहनत करके यहाँ तक पहुँचाया, वो चीज़ें आप दूसरी जगहों पर जाने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम तमाम लोगों को इतने इसके अंदर अजर सवाब मिलेगा इंशाल्लाह ताला, है ना। और एक आखिरी बात कि हमारे जो भाई बैठे हैं यजदान भाई और अरमन भाई, इनके वालिद और वालिदा के लिए खास तौर पर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इनको भी हिदायत दे, नवाजे, और उनकी भी दुनिया और आखिरत में कामयाबी दे उनको भी, और ये जो भाई जो बैठे हैं इनके लिए भी दुनिया और आखिरत में आफियत और अच्छी और तमाम जितनी चीज़ें उनको दे सकता है अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की, इनको इनसे नवाजे, इन सब के लिए और हम तमाम लोगों के लिए दुआ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। ये बच्चों को करियर गाइडेंस ही नहीं बल्कि जॉब ओरिएंटेड कैसे कौन सी फील्ड में कैसे जाना सारी काउंसलिंग माशाल्लाह यहाँ से होती है। He also ardent follower. Yeah, of yours, mashallah. Really. Yeah, my Wasim bhai. Assalamualaikum. Most important person here, our group. Sir, please. आप Infosys में हैं, mashallah. अच्छा जी. Managerial post पे, लेकिन mashallah इतने खैर के काम यहाँ पे ये करते हैं. मुफ्ती साहब जिनकी किराया तो आपको अच्छी लगी. बहुत 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 ज़्यादा mashallah तबारकअल्लाह. ये मकतब का जो पूरा निज़ाम जो ये है. As well also part of this organization और ये रहते साथ में. पीछे की तरफ साइलेंट है साथ। ये जो यहाँ पर जो है बुजुर्ग लोग के लिए जिला है नमाज की, जैसे कि बुजुर्ग लोग हैं नमाज पढ़ते हैं ना, तो बुजुर्ग लोग चल नहीं सकते ऊपर, चढ़ के आना चाहिए नशे में, तो उनको बोला कि ऊपर मत आओ, यहीं पे पढ़ सकते हैं नीचे, आपने बताया नीचे के नीचे ही पढ़ लेते हैं वो लोग, और अगर कुर्सियों का अरेंजमेंट नहीं करते बहुत बेटर, स्टेप से आने की जरूरत नहीं, बहुत बेटर। अरे उनको सलाम करो भाई, अस्सलाम वालेकुम। 8 ईयर्स के और 14 पारे के हाफिज़ हैं माशाल्लाह, और इनको फ्यूचर में इंशाल्लाह ये मदीना में जाके आगे की पढ़ाई करने वाले हैं, इनको टारगेट दिया हुआ है, इनको बोला हुआ है, तो ही इज़ प्लानिंग फॉर दैट, यहाँ पे एजुकेशन कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में मदीना में मुकम्मल करेंगे अपनी पढ़ाई, है ना इंशाल्लाह। और ये सिराज सर जी, सिराज सर ने बीज बोया और ये भाई ने लीड किया इस प्रोजेक्ट को माशाल्लाह, और हम सब ने थोड़ा 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 रोल निभाया है इसके अंदर जो अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में लिखा था। अभी ऐसे जो जजा एकेडमी यहीं चलती है नीचे, और दूसरा हिप्स का जो पैटर्न वो भी यहीं चलता है, ये आपको असर की नमाज के बाद में दिखेगा, और अभी असर तक हम आपको बहुत बिजी करने वाले हैं। अच्छा, बिजी करने वाले, खाना वाना भी एक दो जगह लेके जाना भी आपको इंशाल्लाह ताला,
तो पूरा शेड्यूल बना है। चले तो चले चले चले, चले ये 11 पारे के हाफिज है माशाल्लाह तकरीबन 13 year old यूथ सेंट्रिक जो प्रोग्राम होते हैं जो रन करते हैं अलहमदिल्ला माशाल्लाह इसके अंदर ये भाई का बहुत बड़ा रोल रहता है। हाँ जी उन्होंने बताया आपका मुझे पर्शियन दरबार हमारे मुसीन भाई वाईफाई बोलते ना ये वाईफाई अच्छा जो वाईफाई कनेक्टिविटी करते हैं सब तरफ हमारे प्रोजेक्ट में भी कर रहे हैं अलहमदिल्ला और माशाल्लाह नेटवर्क आर्किटेक्ट है माशाल्लाह आपने बताया। चलिए भाई कभी भी आए इधर कॉल करो तुम्हारी गाड़ी के लिए पार्किंग का अरेंजमेंट करके रखे थे हमारे आयाज भाई बोले कि सर फिक्र मत करो मैं अरेंज करता हूँ इंशाल्लाह यहाँ पे लगाऊं दबाओ दबाओ इधर इधर ही दबाओ इधर ही दबाओ। चलो भाई परफेक्ट है। अभी हम लोग सुप्रीम के पास आए हैं कौशलबाग के अंदर अच्छा फहीम जिससे तुमको पैम्पलेट पहुँचा अच्छा ये बार बार आप पूछे थे जिनके बारे में ये फहीम है माशाल्लाह माशाल्लाह थोड़ा बस दुआ करो बारिश के लिए बारिश इंशाल्लाह आ जाएगी तो मजा आएगा। ये परम भाई यजदान भाई इनका पहला नाम परम था माशाल्लाह ये जुबैर भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त है इनका अपना सागवान लकड़ी का फर्नीचर का कारोबार है और ये इन्वेस्टर भी है और माशाल्लाह कंस्ट्रक्शन के अंदर भी है ऑल इन वन प्लॉटिंग भी करते हैं माशाल्लाह। और कुछ बाकी है बताओ। ये हमारे भाई है बहुत खास स्पेशल भाई है इनके लिए एकदम स्पेशल मुर्गा चाहिए अरे मुर्गा तंदूरी तो पहले तो यार नहीं मुर्गा तंदूरी पहले खिला देना पर इनको मुर्गा तंदूरी खिलाओ कितना जूसी और कितना टेस्टी बोल बोल के लाया हूँ तो तुमने वैसा सर्व करना है आज ताकि तुम्हारी मेरी दोनों की इज्जत दांव पे और उसके बाद दालचा खाएंगे इंशाल्लाह। चिकन तंदूरी जो तीन दे दो और फिर उसके बाद मैं थम्स अप वगैरह जो जो देना चाहे बाकी ये बैठे हमारे भाई लोग सब बता दें तीन नहीं पानी का बिस्तर नीचे ठंडा गर्मी बहुत हो रही है यार है ना 26 पे लगाया हुआ इसीलिए बढ़ाने बोले तो टेम्परेचर बढ़ाया 26 पे कर लिया उसको 16 कर दो यार भाई मेरे ऑफिस में भी एकदम चिल्ड रहता है ऑफिस में बैठता हूँ ना मेरे साथ कोई नहीं बैठता ऑफिस के अंदर मेरा भी सेम सीन है मतलब कोई नहीं बैठता बहुत सारे लोगों को एसी से पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कितनी तेज हवा दे रहा है सबसे होनहार बेटा है माशाल्लाह ये एवरी 20 डेज में एक पारा खत्म करता है एवरी 20 डेज में एक पारा हिफ्ज़ करता है 8 साल का है और ये इंशाल्लाह 9 साल की उम्र में ये पूरा मुकम्मल हाफिज होगा इंशाल्लाह। आप लोग भी दुआ कीजिएगा। यहाँ पे अभी लियाकत भाई ने कुछ तो मंगवाया है हमारे लिए क्या है भाई बताइए भाई ये जूसी तंदूरी मुर्गा है माशाल्लाह ये बोल रहे हैं कि मुर्गा यहाँ का बहुत अच्छा होता है और यहाँ पे भी मुर्गा है सब जगह अभी मुर्गे मुर्गे लगने वाले हैं लेग पीस एट पीस ये कुछ ज्यादा नहीं दे दिया कुछ नहीं वो थोड़ा सा यार ये एक ही खाऊंगा मैं नहीं दिस इज माय फेवरेट जो सलाद होता है ना सलाद साथ सलाद इसका बहुत अच्छा भी है माशाल्लाह माशाल्लाह तबारकल्लाह। सिराज सर स्पेशल छुट्टी करके आए हैं MIT कोथरूड से जो बंदे देख रहे हैं तो सिराज सर यहां पे बैठे हैं मुर्गे खा रहे हैं सुप्रीम होटल का नाम है सुप्रीम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है I told you बेस्ट चीज़ ये है कि इसके अंदर भी मैरिनेशन है पूरा इसलिए हमने पहली बार इतना मुर्गा खाया अल्हम्दुलिल्लाह नहीं नहीं पर मेरे लिए बहुत है ये मैं इतना नहीं खाता हूँ सबको पता होगा मैं वेजिटेरियन कहा है और माशाल्लाह नहीं तो हमेशा मेरे लिए पनीर आता है पर आपको अच्छा लगा ना हमने जानबूझ के पनीर नहीं मंगाया ताकि आप लोग खाने का है मेरे को
इट वॉज ऑसम सीरियसली, मतलब बहुत ज़्यादा नरम था और मज़ा आ गया, मतलब पर्शियन दरबार के बाद. एग्जैक्टली. अभी इन्होंने दालचा मंगाया हमारे लिए मटन का, है ना. जुमा स्पेशल बोलते हैं, जुमे में अगर दालचा नहीं खाया तो ऐसा लगता है जुमा मुकम्मल नहीं हुआ. सही बात. तो वो मुकम्मल करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं. ये दालचा के राइस आ रही है हमारी प्लेट में. अरे सर इतना नहीं, पानी पानी तरी तरी रखूं मैं लेता हूँ. तरी तरी डालना बस. अरे हाँ शेख शेख, डोंट वरी अबाउट इट. ग्रेवी ग्रेवी इसको पतला खाते हैं. पिछले दो या तीन साल से तीन बकरे ईद से अपने हाथ से दो बकरे जुबा करते हैं हर साल. ये खटाखट दिस इज फेवरेट खटाखट. मैं खिलाने वाला हूँ. पहले ये खाएंगे? नहीं पहले ये खाएंगे. थोड़ी पेट भरा रहा. खटाखट विद बटर नान एंड दिस इज दालचा. खाइए. ये क्या है? ये इतना सा हम ले रहे हैं. इतना सा बस हम ले रहे हैं भाई. आप मेरे को इतना खुद इतना लगा रहे. स्टार्ट कर दालचा. बहुत अच्छा. अरे 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 इधर तक बढ़ जाएगा. अरे होता ही नहीं बस. अरे होता है बस. अरे इधर इधर मोहसिन भाई जब कैमरा चालू था बहुत थोड़ा थोड़ा गा रहे थे. कैमरा बंद हुआ तो अलग लेवल पे चले जाते हैं. अलग लेवल पे चले जाते हैं. कैमरा बंद. मोहसिन भाई ने ये दोनों डब्बे खत्म किए गए. चावल क्लियर कर दो. ये तीसरा डब्बा मोहसिन भाई का. दालचा भी जरूर है. तीसरा डब्बा मोहसिन भाई का. मोहसिन भाई का दालचा भी. मोहसिन भाई का चौथा डब्बा दालचा है. जगह तो छोड़नी चाहिए. खड़े रह कैसे शेक होगी बढ़िया. वापिस तो जगह बन जाती है. الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق ومصدقا لما بين يديه والتوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصبركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. गाइस ये है सुप्रीम का शाही टुकड़ा. हरियाणा में मैं गया था ना अभी. हाँ. तो वो वहाँ का खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा था और वहाँ पे शाही टुकड़ा खाया था मैंने. उसके बाद ये दिस इज द सेकंड टाइम मैं शाही टुकड़ा खाने वाला हूँ एंड लेट्स सी कैसा होगा ये. वैसे शुगर फ्री शुगर है इसमें. ऐसी बोला शुगर फ्री नहीं है. एक एक चम्मच ले यार. ओके आ जाइए आप आ जाइए. इस गुलाब जामुन रबड़ी में लिपटी हुई. ओपन करते हैं. ओपन करो डाइसेक्ट करो. अच्छा ओके. आ रही है दिख रही है. और ये रबड़ी के साथ भाई कैसी है? अभी शाही गुलाब जामुन भी खाएगा जिसमें केसर लगा हुआ है. बस सब निकल रहे बारी बारी. ये देखो. अरे भाई प्यारी भाई चारा ऑन द टॉप. फहीम भाई हमें खिलाना चाहते हैं शाही टुकड़ा. क्या वो छोटा है यार. अरे अरे अयाज भाई थोड़ा थोड़ा. अरे माशाल्लाह माशाल्लाह. और भाई आ गए आमिर भाई और
सिर्फ मीठा चखो खाली कुछ भाई। मीठा चखना है खाली प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। सलाम यार, कम कम है रमजान थोड़ा। अच्छा प्लीज। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा दाल चाय खिलाओ। खा के खिचड़ा खा के बताओ। खाए क्या खिचड़ा? खा के खिचड़ा रमदान मीट रमदान। अरे रमदान क्या बात है। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। इसका बर्थडे था। अरे माशाल्लाह परसों था। अल्लाह तुम्हारी दुनिया आखिरी डाला वीडियो में मेरे। माशाल्लाह तुम्हारे को माशाल्लाह। अरे कैसे तुम्हारा मैंने कुरान सुना था माशाल्लाह। ये मेरा बेटा हमदान है तो मैंने उसको बोला था कुरान अच्छा पढ़ता है माशाल्लाह बच्चा है। तुम्हारी डाले थे ना अपने आपके फार्म हाउस पे, मेरे गले भाई ने सुनाई थी सूरह रहमान सुनाया था शायद। देखो मैं याद है मुझे माशाल्लाह। अली कितने फुट पारे हुए तुम्हारे? 14 ये 14 पारे का हाफिज है माशाल्लाह। क्या बात है। मैं स्कूल पढ़ता है रात को यूज करता है जो हमारा पैटर्न है ना आपको बोला मैं वही पैटर्न के अकॉर्डिंग ये सब चल रहे बच्चे। अब लोग उठ गए फारिग हो चुके हैं। नहीं 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 अबे इनके होता ही नहीं है। बैठो प्लीज। कोई एक डिश मंगा हम दोनों शेयर कर लेंगे। बैठो ना, मंगा लिए पहले मीठा फिर बाद में उसके बाद में तुमको तीखा। बैठो। आई एम एक्साइटेड। हमारे मजे लेने का नंबर क्या रहे पाजी अच्छा कैसा था पूछो ना। ये खिला ले मतलब थोड़ा सा। तो तुम यार मैं इंतजार कर रहे थे तुम्हारा आने का। दुम्बा का है हमारा। दुम्बा शाम को है? रुको तो सही, तुम जा कहाँ रहे हो अभी यार? यू नॉट गोइंग एनीवेयर। टाइम कितना दे रहे हैं? उन्होंने पहले ही प्लान बता दिया मुझे शाम का, मतलब भाई से कौन सा वो सूप पिलाने वाले, पता नहीं कौन से मटन का, फिर अरे मेरे बहुत सारे जरूरी काम थे उस दिन सब आपने रखवा दिए। इसी मेरे को लोग पता नहीं क्या बोल रहे थे, बोले यार अचानक से गायब हो गए, फोन भी नहीं उठा रहे लोग। मस्जिदें इतनी आबाद है और मैं एक बात और गौर कर रहा हूँ, मैं हमेशा घूमते रहता हूँ ना, हमेशा साइड पे जा तो मैं हर मस्जिद में अलग अलग मस्जिद में जाता हूँ, तो कई कई जगह पे मतलब मस्जिदें भरी हुई है। पहले लगता पहले खाली मतलब एक सब भी भरती होगी नहीं होगी ऐसा लगता था। गाँव में गाँव में लोग अभी मतलब दीन की तरफ आ रहे हैं और मस्जिदें भरी है अभी, मतलब ऐसा लगता है कि जुमा नहीं लेकिन जुमा के जैसे कभी कम नहीं, मतलब जुमा में 100% भरती होगी। 75% मस्जिदें भरी हुई है आज के डेट में। मैं आपको बोलूँ यूनिट शॉप में फजर के टाइम पे अगर अभी आप कुछ इलाकों के अंदर अगर जाओगे या तुमा मस्जिद के अंदर ही अगर आप फजर में आओगे तो आपको 3-4 सफ मिलेंगे भर्ती हुई, नहीं तो पहले इतना नहीं होता था और वो भी नौजवान उसके अंदर पार्टिसिपेट करता हो। देखे ना जब यार बूढ़े हो गए तो यार जाओ अभी अल्लाह करो अब दीन की तरफ जाओ, मतलब एक परसेप्शन ऐसा था, अब ऐसा नहीं। अब नौजवान बच्चे जो है नौजवान लोग जो है वो इस्लाम की फितरत में एक चीज है, जितना उसको सप्रेस करोगे उतनी तेजी से उभरता है। सही बात है। 9/11 के बाद में इस्लाम जितना फैला है अमेरिका में या यूरोप में उतना पहले नहीं फैलता था, बिकॉज उसकी लोगों को इनक्विजिटिव ये हो गया रिलीजन है जो इनसिक्योरिटी जो फैल रही है लोगों में, तो उसकी वजह से जो ज्यादा अल्लाह की तरफ और अल्लाह के रसूल की हदीस है कि रोजा कयामत से पहले हर घर तक इस्लाम की बात जानी है, तो ये बात अगर जानी है तो हमारा ईमान है इस बात के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर बोला है तो वो होना है। और ये जो भाई युद्ध के लिए वर्क करते हैं अल्फेज भाई, जी जी ये वर्क का कल्चर कैसे, जैसे कि बच्चों को गाइड करना, उनको करियर कौन से चूज करना 10th 12th के बाद में, और उसके बाद में भी अगर उनको जॉब ओरिएंटेड तो अलग अलग सेक्टर्स के जो लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए वो आके एवरी संडे के दिन क्या होता 11:30 बजे ये लोग अरेंज करते हैं प्रोग्राम सैटरडे संडे, तो उसमें आते वो लोग लेक्चर्स देते हैं या बताते हैं कि बच्चों ने क्या गाइडेंस लेना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, ये पढ़ने के बाद में कौन से वर्टिकल में आप जा सकते हो, क्या सैलरीज आपको मिल सकती है, और जो बच्चे तैयार हो जाते हैं उनको जॉब्स के लिए के अंदर भी उनके रास्ते हमवार करते। तो एक बात क्या होती है आमिर भाई, जब आपको मस्जिद के ज़रिए से ऐसा सपोर्ट मिलता है और वो सपोर्ट के ज़रिए से अगर आपका ज़राए माश पैदा हो जाता है यानी आपकी रोज़ी रोटी चल जाती है तो उस बच्चे को ऑटोमेटिक मस्जिद से लगाव हो जाता है ना, दीन से उसकी मोहब्बत हो जाती है, तो फिर उसके अंदर क्या होता हम दीन से दूर नहीं होता बच्चा हो अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह से उनको हम एक तरह का फैसिलिटेट करके जब देते तो हम उसको दीन से जोड़े रखते, फिर बाद में वो सेम पैटर्न को रिपीट करता है दूसरों की। अल्हम्दुलिल्लाह यू टेल रियल एस्टेट को एक एसेट को ROI जब निकालते तो उसका चेक करते हैं अपन मल्टीपल पैरामीटर्स कि ये बिल्डिंग कितने टाइम यूज हो रही है। जैसे कमर्शियल अगर हो कमर्शियल प्लाजा तो अगर वहाँ पे सिर्फ कुछ लोग आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम दिन में के 1 घंटे का ही रेंट का पैसा देंगे बाकी का नहीं देंगे,
लॉस स्ट्रेट कम टू मस्जिद. दिन में लोग सिर्फ कितना टाइम आते हैं? 5 मिनट्स 10 मिनट्स पर प्रेयर, तो इंटू 5 पाँचों टाइम, एक घंटे से भी कम टाइम, 30 मिनट राइट. एक घंटे से भी कम टाइम अगर वो रियल इस्टेट यूज हो रहा तो बाकी सब तो उसका आरओआई है ही नहीं राइट. तो वो कौन सोचेगा? और अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े बड़े अपन ने मैसिव स्ट्रक्चर बना के रखे, अपना रियल इस्टेट की कमी नहीं है. बट उसको डायरेक्शन एक स्ट्रक्चर्ड वे में जो कॉरपोरेट्स कर रहे हैं. अब ये बोलो यहाँ पे जितने लोग काम कर रहे हैं सब कॉरपोरेट्स में काम कर रहे हैं. वो सेम लोग जब जाते हैं कंपनीज में तो दे फॉलो अ स्ट्रक्चर राइट, एसओपी, कॉरपोरेट स्ट्रक्चर, डेली मीटिंग्स और फिर अपडेट्स, प्रोग्रेस. पर जब मस्जिद में सेम लोग हम काम करते तो हम वो स्ट्रक्चर से नहीं करते. सही बात है. जो होना चाहिए इन ओवरऑल कम्युनिटी सेंटर वाइज राइट, मतलब सही तरीके से मस्जिद मस्जिद के बारे में भी सही तरीके से सारी चीज़ें सोचनी चाहिए. जैसे अभी अगर हम क्रिश्चियंस की बात करें तो चर्च वगैरह अगर आप देखोगे कितना बेहतरीन तरीके से वो निज़ाम बनाते हैं. हालांकि वो मुस्लिम से कम है उनकी जो पॉपुलेशन, बट उनका जो निज़ाम है और चर्च देखोगे बाहर से क्या खूबसूरत लगती है. यू सेड अ वेरी गुड पॉइंट. एजुकेशन भी इतनी जबरदस्त है उनकी. एजुकेशन में किसका रोल है? सेंट पीटर्स, सेंट सब सेंट सेंट सारे सेंट. बेसिकली अपलिफ्टमेंट जो आता है, अपलिफ्टमेंट जिसको बोलते हैं, दो चीज की वजह से आता है. एक तुम्हारे पास बड़ी बात तो बोलते हैं हंगर हसल बोलते हैं लोग. एक तो ये है कि तुम्हें हंगर रहना चाहिए, तुम्हें हसल रहना चाहिए. तो प्रॉब्लम ये है कि हमको डायरेक्शन नहीं है किसी को. मतलब जब मैं मेरा करियर स्टार्ट किया तो मेरे को नहीं पता था कि मेरे को कि कैसे करना है. और कोई ये बोल दिया कि जाओ यहाँ पे पढ़ो और वहाँ पढ़ लिया वहाँ लग गया, कोई नहीं लग जाएगा. कम अज़ कम एक बंदे को यहाँ तक लेके आ सकते हैं कि भाई आप पढ़ो. मैं नहीं समझता हूँ कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट कम है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन लोग टैप करना नहीं जानते. तो सिर्फ अल्टीमेट मोटिव ये है कि हम लोग उसको कैसे टैप करना है ये बताना है. सो गाइस ये है हमारे इतने प्यारे ये सुप्रीम के बंदे, हमारे सुप्रीम बंदे हैं. तो भी क्या फोटो खींचना है भाई? फोटो कराओ. कौन कौन है ये भाई? हमारे सारे लोग जिन्होंने हमको सर्व किया है, सर्व किया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया. हमारे भाई आए थे मेहमान बन के, ये दो भाई, उनको आपने बहुत अच्छे से खाना खिलाया. दालचा अच्छा लगा उनको, मीठा भी अच्छा लगा, खटाखट भी अच्छा लगा माशाल्लाह. सारे भाइयों ने सर्व किया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. खड़े हो जाओ यार, फोटो खींच लो अभी. ठीक है जी, शुक्रिया. बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया. शुक्रिया शुक्रिया. अरे माशाल्लाह. सो गाइज आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं. बहुत ज़बरदस्त वीडियो था आज का. एंड थैंक यू सो मच लियाकत सर, बहुत बहुत शुक्रिया. और एक और अभी इसके बाद एक और जगह पे जाने वाले हैं, वो सेकंड व्लॉग में आपको पता चलेगा जो कल आएगा. बट आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं. ये हमारा हाफिज़ अली माशाल्लाह. चलो चलिए, जजाकल्लाह खैर फी अमानल्लाह.